प्रणाम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और दूसरा सबसे बड़ा अंग होता है। लीवर एक बहुत समझदार अंग होता है जो उन हालातों में भी काम करता है जबकि यह बहुत ज़्यादा खराब हो चुका होता हो। शरीर के लिए लीवर सबसे ज़रूरी अंगों में से एक होता है जो शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, पित्त के निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, भोजन के पाचन के बाद ग्लूकोज इत्यादि का नियंत्रण करने में यह सहयोग करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल को भी यह नियंत्रण करता है, एलडीएल एसडीएल कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है और उनका कार्य पूर्ण हो जाने के बाद में उनको ख़त्म करने का काम भी लीवर करता है। आमतौर पर बहुत सारे लोगों को लीवर फैटी हो जाने की समस्या आ जाया करती है। आज की इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं कि यह फैटी लीवर की समस्या क्या होती है, क्यों होती है, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं और इसके बचाव के उपाय के बारे में आपसे बात करेंगे। कुछ सरल प्रयोग इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, फैटी लीवर की समस्या क्या होती है। लीवर की कोशिकाओं में अतिरिक्त फैट इकट्ठा हो जाना जिसके कारण लीवर का आकार सामान्य से कुछ ज़्यादा हो जाता है। लीवर का जो एक स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ी शेप उसकी चेंज हो जाती है, तो ये सब समस्याएं फैटी लीवर में काउंट होती हैं। आमतौर पर लीवर में जितना फैट होता है उससे अगर 5 या 10% फैट अतिरिक्त हो जाता है तो उसको फैटी लीवर में गिना जाता है। इसकी जांच के लिए कुछ एंजाइम के टेस्ट कराए जाते हैं जो खून के द्वारा जांच की जाती है। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड और कुछ स्कैनिंग वगैरह के द्वारा फैटी लीवर की समस्या का पता लगाया जाता है। आमतौर पर शुरुआती अवस्था में फैटी लीवर की समस्या के बारे में पता नहीं चलता है, ना तो शरीर में इसके कोई विशेष लक्षण सामने आते हैं और ना ही किसी तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को पैदा होती है। धीरे धीरे जब लीवर फैटी होता जाता है, लीवर का साइज ज़्यादा बढ़ता जाता है, उसके बाद में कुछ दिक्कतें आना शुरू होती हैं, जैसे कि रोगी को भूख कम लगती है, शरीर में कमजोरी आने लगती है, आँखों में पीलापन आने लगता है, उसके अलावा शरीर बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है और पेट में दाईं तरफ पसलियों के नीचे कुछ दर्द का अनुभव होता है, दबाने पर कुछ कड़ापन महसूस होता है। ये कुछ लक्षण होते हैं जो लीवर का फैटी हो जाने पर, लीवर बढ़ जाने पर सामने आया करते हैं। क्या कारण होते हैं लीवर के फैटी हो जाने के? लीवर के फैटी हो जाने को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक अल्कोहलिक फैटी लीवर, एक नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो लोग अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं, नशे की चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उन लोगों में आमतौर पर फैटी लीवर की समस्या पाई जाती है। लेकिन अकेला अल्कोहल का सेवन, नशे की चीज़ों का सेवन ही फैटी लीवर की समस्या को पैदा नहीं करता है। बहुत सारे दूसरे कारण भी हो सकते हैं जिनके कारण फैटी लीवर की समस्या पैदा हो जाया करती है, जिनमें प्रमुख होता है कि बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ों का सेवन करना। हम बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ खाते हैं, जिसके कारण वह अतिरिक्त फैट बॉडी में जमा होता रहता है, जिसका असर हमारे लीवर के ऊपर भी पड़ता है और लीवर की सेल्स भी एक्स्ट्रा फैट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे कि लीवर फैटी हो जाता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा आराम तलब होना इंसान का, उसके कारण भी फैटी लीवर की समस्या आती है, चूँकि इस कंडीशन में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है बॉडी का, तो जिसके कारण लीवर फैटी हो जाया करता है। इसके अलावा खाने पीने की गलत आदतों के कारण भी फैटी लीवर की समस्या हो जाती है। गलत आदतें क्या होती हैं? गलत आदतें इस तरह से आप समझें कि आपका खाने का समय नियमित नहीं है, आपका खाने का तरीका नियमित नहीं है। कभी आप सुबह के टाइम भरपेट खाना खा लेते हैं, कभी आप सुबह से लेके और आधे दिन तक भूखे पेट रहते हैं, शाम को खूब अच्छा हैवी डाइट आप ले लेते हैं, कभी पूरा दिन आप फास्ट रखते हैं, रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा हैवी फूड ले लेते हैं। इस तरह अगर रेगुलरली आपकी जो डाइट प्लान है और आपकी जो डाइटिंग हैबिट्स हैं उनमें रेगुलरली अगर चेंज होता रहता है तो लीवर फैटी होने की समस्या हो जाती है। कुछ केसेस में लीवर फैटी होने की समस्या अनुवांशिक तौर पर भी पाई जाती है, अर्थात जिनके परिवार में पहले पापा को मम्मी को फैटी लीवर की समस्या रह चुकी हो, तो बहुत चांसेस होते हैं कि आगे चलकर उनके बच्चों को भी लीवर फैटी होने की समस्या पैदा हो सकती है। इन सब के अलावा एक और जो प्रमुख कारण देखा जाता है लीवर के फैटी होने का, वो रहता है मोटापा। यदि शरीर पर मोटापा चढ़ रहा है, शरीर आपका ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, उस कंडीशन में लीवर फैटी होना एक बहुत सामान्य सी बात है। अक्सर जिन लोगों का वजन ज़्यादा होता है, ओवरवेट लोगों में फैटी लीवर की समस्या आमतौर पर पाई जाती है। अब हम आपको जानकारी देते हैं कुछ उन चीज़ों के बारे में जो फैटी लीवर की समस्या हो जाने पर हमें खानी चाहिए, और उसके बाद में हम उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जो फैटी लीवर की समस्या हो जाने पर हमें नहीं खानी चाहिए, अर्थात इसमें क्या खा सकते हैं और किन चीज़ों का हमें परहेज रखना होता है।
फैटी लीवर की समस्या हो जाने पर जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं विशेष रूप से आपको बहुत ज़्यादा फायदा करती हैं। उसमें भी अगर बहुत मुख्य तौर पर गिना जाए तो ब्रोकली की एक सब्जी होती है, वो बहुत ज़्यादा फायदा इसमें करती है। पालक आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसमें करती है। पत्ता गोभी फैटी लीवर की समस्या में बहुत ज़्यादा गुणकारी मानी जाती है। इसके अलावा ताजी मूली और उसके ताज़े हरे पत्ते बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं लीवर के रोगों में, और यदि नियमित तौर पर मूली के पत्तों का रस का सेवन किया जाए तो फैटी लीवर की समस्या में बहुत अच्छा आराम आता है। इन सब के अलावा ताज़े फल और सब्जियां बहुत अच्छे माने जाते हैं, और आहार जो आप ले रहे हैं वो इस तरह का हो कि जिसमें बहुत ज़्यादा फैट वाली चीज़ों का प्रयोग ना किया गया हो, जो बहुत सात्विक प्रकार का भोजन हो वो फैटी लीवर की समस्या में आपको खाना चाहिए, जिससे कि आपको लीवर नॉर्मल होने में बहुत ज़्यादा अच्छी मदद मिलती है। इन सब चीज़ों के अलावा यदि आप टोफू का सेवन करते हैं, टोफू पनीर होता है जो सोया से बनाया जाता है, वो बहुत अच्छा रहता है फैटी लीवर की समस्या में, क्योंकि इसमें फैट नहीं होता है, बहुत कम फैट होता है, प्रोटीन की इसमें अच्छी मात्रा होती है जो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा मददकारी सिद्ध होती है। इसके अलावा यदि आप अखरोट का सेवन करते हैं तो भी आपको फैटी लीवर की समस्या में आराम मिलता है। सूरजमुखी के बीज भी एक ऐसी चीज़ होते हैं जो लीवर के लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी होते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो लीवर की हेल्थ को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो यदि फैटी लीवर की समस्या रहती है तो सूरजमुखी के बीजों का भी रोज़ आधा ग्राम 1 ग्राम की मात्रा में सेवन किया जा सकता है। और इन सब के अलावा यदि ऑलिव ऑयल का सेवन किया जाए तो ऑलिव ऑयल एक बहुत अच्छी चीज़ होती है लीवर के लिए और फैटी लीवर की समस्या को कम करने में बहुत मदद करता है। यदि खाना बनाने के लिए ऑलिव ऑयल का सेवन किया जाए तो ना सिर्फ फैटी लीवर के रोगियों को बल्कि सामान्य लोगों को भी ये बहुत अच्छा गुणकारी रहता है। नियमित तौर पर इसका प्रयोग हम खाना बनाने के लिए कर सकते हैं। अब हम आपको जानकारी देते हैं उन चीज़ों के बारे में जो फैटी लीवर की समस्या में हमें खानी नहीं चाहिए। देखिए, फैटी लीवर की समस्या है तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, हर किसी को पता है कि जिन चीज़ों में फैट होता है, जिन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा चिकनाई पड़ी हुई है, बहुत चर्बी पड़ी हुई है, वो चीज़ें हमें सेवन नहीं करनी चाहिए। कोई भी पूरी पकवान होते हैं, भटूरे होते हैं, कोई भी तली चीज़ होती है, पकौड़े वगैरह होते हैं, ये सब चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल और फैट मौजूद होता है। और इसी तरह स्पाइसी चीज़ें भी फैटी लीवर की समस्या में नहीं हमें खानी चाहिए। दूसरी चीज़ का जो हमें ध्यान रखना है, यदि अल्कोहलिक हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो फैटी लीवर हो जाने पर आप बिल्कुल समझ जाइए कि आपका लीवर अब खराब होने की तरफ चल पड़ा है, तो अल्कोहल का सेवन पूरी तरीके से आपको बंद कर देना चाहिए। इनके अलावा वो चीज़ें जिनके अंदर शुगर ऐड होती है, वो चीज़ें फैटी लीवर की समस्या में बहुत ज़्यादा गलत मानी जाती हैं। शुगर एडेड जो प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कुछ पैकेट वाले जूस होते हैं, कैंडीज़ होती हैं, चॉकलेट्स होती हैं, इनका सेवन करने से भी लीवर फैटी की जो समस्या है वो और ज़्यादा बढ़ती है, और लीवर का जो ओवरऑल हेल्थ है इनको ये हर किसी के केस में ख़राब करती ही करती हैं। नमक का सेवन, जो साधारण समुद्री नमक होता है, उसका सेवन करना भी फैटी लीवर की समस्या में अपथ्य माना जाता है। अर्थात साधारण समुद्री नमक का परहेज करना चाहिए फैटी लीवर के रोगी को, उसकी जगह वो सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा कम फाइबर वाला भोजन, जिनके अंदर फाइबर की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इस तरह का आहार आपको नहीं लेना चाहिए, और हमेशा ताज़ा खाना खाना चाहिए। बासी भोजन, फ्रिज का रखा हुआ और बाज़ार का फूड, पैकेट वाला फूड, ये सब चीज़ें जो है फैटी लीवर की समस्या में आपको नहीं खानी चाहिए। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे सरल प्रयोगों के बारे में जो फैटी लीवर की समस्या में आपको थोड़ी मदद कर सकती हैं। सबसे अच्छा जो इसमें एक उपाय माना जाता है वो ये रहता है कि यदि खाना खाने से पहले लगभग 5 ग्राम की मात्रा में ताज़ा अदरक और लहसुन की 1 और 2 कलियाँ छील करके उनको बारीक बारीक कतर लीजिए, उनके ऊपर काला नमक या सेंधा नमक डाल करके आप खाना खाने से पहले सेवन कीजिए, तो ये आपके फैटी लीवर को ठीक करने में बहुत अच्छी मदद करता है। इनसे पूरा डाइजेशन प्रोसेस ही इम्प्रूव होता है, तो जितना भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी ऑर्गन होते हैं सभी को ये फ़ायदा करते हैं, विशेष रूप से फैटी लीवर की समस्या में इनका बहुत अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों के अलावा यदि आप सेवन करते हैं भोजन करने के बाद में या पहले 5 ml सेब का सिरका, जिसको एप्पल सिडर विनेगर बोला जाता है, यदि आप 5 ml की मात्रा में उसका सेवन करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहता है फैटी लीवर की समस्या में। आप सिरके को डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं या उसके अंदर थोड़ा पानी मिला करके आप तब सेवन कर सकते हैं यदि आपको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है। इसके अलावा फैटी लीवर के रोगी हमेशा ध्यान रखें कि उनको खाने में हमेशा सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए, और दिन में एक बार उनको ताज़े फल या ताज़ी सब्जियों की जो है सलाद काट करके जरूर खानी चाहिए, और उसके ऊपर वो नींबू और सेंधा नमक डालकर खाएं तो विशेष रूप से उनको वो फ़ायदा करता है। इसके अलावा एक और चीज़ जो फैटी लीवर की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदा करती है वो रहती है कि कच्चा पपीता आप ले लीजिए और उसको आप काट कर उसके बीज वगैरह निकाल लीजिए, छिलका आप उसका उतार दीजिए और उसके बारीक बारीक आप टुकड़े कर लीजिए, लगभग उंगली के आकार के टुकड़े उसके आप कर लीजिए। इनको आप 2 दिन की कड़ी धूप में सुखा लीजिए
और तब इन सूखे हुए पपीते के टुकड़ों को आप सिरके में भिगोकर रख दीजिए। सेब का सिरका आप ले सकते हैं, या गन्ने का सिरका आप ले सकते हैं, जामुन का सिरका आप ले सकते हैं, जो भी सिरका आपको मिल जाए उत्तम क्वालिटी का वो आप ले सकते हैं। और इसको आप खाने के समय पर, एक समय पर 2, 3 या 4 पीस लेकर के आप खाने के साथ में इनका सेवन करें, तो ये एक बहुत अच्छी दवा के तौर पर काम करता है फैटी लीवर की समस्या के लिए, और ये बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को ही अच्छा करने का काम करता है। इसके अलावा नियमित तौर पर करेले का जूस का सेवन भी किया जा सकता है, जो फैटी लीवर की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। आमतौर पर करेले को मधुमेह के रोग में गुणकारी माना जाता है, वहाँ पर भी गुणकारी यह रहता है, और लीवर के रोगों में भी यदि आप करेले के जूस का सेवन करते हैं नियमित तौर पर, ज़्यादा नहीं केवल 50 से 100 ml की मात्रा एक दिन में आप लीजिए, तो बहुत अच्छा ये आपको फ़ायदा करता है। इसके अलावा मूली का आप सेवन कर सकते हैं, मूली के ऊपर काला नमक नींबू लगाकर आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मूली के पत्तों की आप सब्जी बनाकर सेवन कर सकते हैं, जो लीवर के रोगों में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करती हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी ये प्रयोग हमने बताए हैं फैटी लीवर की समस्या में, इनको आप केवल घरेलू प्रयोगों तक ही सीमित रखें, इनको संपूर्ण चिकित्सा का विकल्प आप कभी भी ना समझें। यदि इन सब प्रयोगों से आपको फैटी लीवर की समस्या में आराम मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि आपको समस्या लगातार बनी रहती है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर के पास जाकर के फैटी लीवर की समस्या के लिए उचित ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए। उसके बाद में वीडियो में दी गई जानकारी के बारे में आपकी कुछ क्वेरीज़ हों, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हों, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपके जवाब हम जल्दी देने की कोशिश करेंगे, या उनको हम अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज, सवाल आपके जवाब हमारे, इसकी सीरीज का तीसरा पार्ट हमें तैयार करना है, उसमें हम इनको शामिल कर सकते हैं। कुछ और सलाह आप हमें देना चाहते हो तो भी आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो पर आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद में आपको लगता है कि जानकारी अच्छी है, किसी और के भी काम आ सकती है, तो आप इसको अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। सबसे आखिर में आपसे निवेदन रहेगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगा घंटी का बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक लगातार पहुँचते रह सकें। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।